तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे रूम की डेकोरेशन किस तरीके से की गई है, देख सकते हैं आप। अच्छा ये अभी बंद है, अभी ये ओपन ही हुआ है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी कम इस टाइम संजौली। और आप देख सकते हैं यहाँ का जो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से गेस्ट हाउस स्वैग में स्वागत है। तो फ्रेंड आज का व्लॉग शुरू कर दिया है मैंने, तो मैं फ्रेंड इस टाइम हूँ शिमला में। ये जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड, ये मैं अपने रूम में हूँ। तो फ्रेंड मैंने व्लॉग शुरू कर दिया है, तो मैं सैटरडे को शिमला आया था, मुझे ज़रूरी काम से आना पड़ा। थोड़ा सा वाइफ को पेन हो गई थी पीठ में, तो उस वजह से हमें 16 मील जाना पड़ा। वहाँ पे काफ़ी अच्छी मालिश करते हैं, तो फिर हम वहाँ पे गए और वहाँ से हम टाइम नहीं लगा मुझे वीडियो बनाने का, नहीं तो मैं ज़रूर वीडियो बनाता, क्योंकि मेरे पास मेरा बेटा था गोद में, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो अब वहाँ से आके उन्हें थोड़ा सा आराम है। तो फ्रेंड अब हम आज मंडे है और मंडे के दिन मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, तो आपको फ्रेंड पता है यहाँ पे क्या नाम, आजकल मौसम भी काफ़ी ख़राब है शिमला में। तो फ्रेंड इस टाइम मैं आया हूँ रूम, तो मैंने नहाने को पानी लगाया, तो मैं अब रेडी होऊंगा, उसके बाद मैं ड्यूटी जाऊंगा। तो फ्रेंड मैंने स्कूटी भी लाई थी, वो मैंने ठियोग में ही रखी है, तो ठियोग से मैं बस में आया था। तो अब मैं यहाँ से कुछ ही देर में तैयार होके जाऊंगा, और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का जो बैकग्राउंड है काफ़ी अच्छा है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, मैं आप दो दिनों से मैं आपके बीच कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बता दिया कि रीज़न क्या था, मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का बैकग्राउंड, और ये यहाँ पे शिमला में जो संजौली में हमारा रूम है, और यहाँ के यहाँ का सामने का व्यू किस तरीके का है मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारा रूम किस तरीके का है, तो आप देखते रहो, मैं आपको बैकग्राउंड करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे रूम की डेकोरेशन किस तरीके से की गई है नया गेस्टा द्वारा, जो कि मेरे छोटे भाभी है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप। और इस टाइम देख सकते हैं आप 9:36 हो चुके हैं, और यहाँ पे मेवल गेस्टा के खिलौने हैं। और ये यहाँ सामने किचन है, और इस साइड बाथरूम और फ्लैश है। तो फ्रेंड आपको पता है शिमला में रूम मिल पाना काफ़ी मुश्किल है, तो मेरे भाई ने यहाँ पे रूम लिया, ये सबसे बड़ी बात है। और खुला भी काफ़ी है रूम, देख सकते हैं आप, यहाँ पे बेड वगैरह लगे हैं, और उसके साथ स्पेस भी काफ़ी बचा है। ये तो यहाँ पे भाई ने काफ़ी सामान डाल दिया है, उन्होंने फ्रिज भी ला दिया यहाँ पे, और LED भी ला दी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एयरटेल फाइबर लगा दिया है, अब आप चाहे नेट जितना मर्जी चलाओ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ का सामने का व्यू कुछ इस तरीके का है, ये जो सामने आपको जंगल दिख रहा है ये नववार, और यहाँ पे काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, फिर भी यहाँ पे रूम नहीं मिलते इतनी आसानी से। और फ्रेंड आप देख सकते हैं आज भी यहाँ पे मौसम थोड़ा सा ख़राब है। तो फ्रेंड मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, अब जा रहा हूँ मैं सिस्टर के रूम, तो आप इसी तरह बने रहे मेरे साथ, यहाँ से थोड़ा ही जाना पड़ता है सिस्टर के रूम को, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से जो ये रास्ता जाता है मेरी सिस्टर के रूम को।
तो फ्रेंड मैं पहुंच गया हूं। तो फ्रेंड मैं पहुंच गया हूँ रूम, सिस्टर के रूम। तो सिस्टर के है आज हॉस्पिटल, आज यहाँ पे है नया गेस्टा। आपको नया गेस्टा गुड मॉर्निंग करिए। बम्बा, और यहाँ पे भी साफ सफाई हो गई है। तो फ्रेंड मैं पहुंच गया हूँ सिस्टर के रूम। तो अब मुझे भी रेडी होना है यहाँ से, अब कपड़े पहन के जाना है यहाँ से। तो फ्रेंड मैं पहुंच चुका हूं इस टाइम संजौली, और आप देख सकते हैं यहां का जो व्यू है काफी अच्छा है। और यहां पे सामने आपको जो मंदिर दिख रहा है, डिमू माता मंदिर। ये आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग है मेरी तरफ से। और इस टाइम संजौली में काफी रश होता है। तो फ्रेंड मैं पहुंच गया इस टाइम चलौंटी। तो आप फ्रेंड यहां पे दिखाता हूं मैं चलौंटी में अब कितना अच्छा यहां पे रास्ता बन चुका है, जो कि सड़क के ऊपर से ले लिया है हाइट में। और काफी अच्छी यहाँ पे जो डेकोरेशन भी काफी अच्छी हो गई है, देख सकते हैं आप। अच्छा, ये अभी बंद है, अभी ये ओपन ही हुआ है। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा है। और अब मैं यहाँ से बस लूंगा, और ये रास्ता अभी इसकी ओपनिंग नहीं हुई है। और इस सड़क से काफी ऊंचा है। और मैं मुझे यहाँ से बस लेनी है चलौंटी से, और फिर मुझे ठियोग जाना है ठियोग से, क्योंकि मैंने ठियोग में अपनी स्कूटी लगाई है। तो एंड आप इसी तरह बने रहे, और मिलेंगे आपके साथ इसी तरह।